कपा देने वाली सर्दी हो, बारिश हो या फिर भयंकर गर्मी, कैसा भी मौसम हो, काशी के अमन गरीबों और बेसहारों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सिर्फ एक कॉल और अमन अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर पहुंच जाते हैं। पहले खुद के स्तर पर देखते हैं और फिर अगर जरूरत पड़ी तो दूसरों से भी मदद उपलब्ध करवाते हैं। बनारस के लोगों के लिए अमन कबीर एक ऐसा नाम बन चुका है जिसकी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। बनारस के दारानगर इलाके के रहने वाले अमन यादव की अमन कबीर बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल कचहरी बम ब्लास्ट की तस्वीरों ने अमन के मन को कुछ इस कदर झकझोरा कि पिता के सपने को पूरा करने के बजाय वो गरीबों की मदद के लिए अमन कबीर बन गए। इस घटना के वक्त अमन की उम्र महज 13 साल थी। रोड पर बेघर जो पड़े रहते हैं, जिनका दुनिया में कोई नहीं रहता, उनकी सेवा का अचानक मैंने अंदर जब अस्पताल में मैं देखा कि उनके ऊपर इंसानों के ऊपर मोटे मोटे चूहे और जानवर रेंग रहे थे जो जीवित थे, ऐसे लोगों की वेदना को लेकर अस्पतालों में सरकारी हॉस्पिटल में जाकर मुहिम शुरू किया 2008 से। और आज यह मुहिम लगातार पूरे 17-18 राज्यों में के लोगों को हमने उनको घर भेजा। उनके किसी को रक्तदान की ज़रूरत होती है, ब्लड की ज़रूरत, उनको कहीं से पूरे भारत में कहीं से भी फोन आती है तो उनको ब्लड की व्यवस्था कराना अपने सामर्थ्यवान से, चाहे जैसा भी कोई लॉकडाउन में बहुत से लोग फंसे थे, लगभग 100 लोगों को जो है मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में भेजा। और अन्य कई प्रकार के लोग हैं जो बेरोजगारी के कारण इलाज नहीं करा पा रहे, ऐसे लोगों का भी मदद फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से करता हूँ। और पिताजी अक्सर कहते थे ये सब क्या करते हो, पैर में कई बार जंजीर भी बनी मेरे, लेकिन लगा कि वो जंजीर टूटा और टूटने के बाद मैं अभी तक ये कर रहा हूँ। बेटा गलत रास्ते पर न भटक जाए, इस डर से अमन के पिता ने पहले तो उन्हें समझाया कि ये उम्र पढ़ाई लिखाई की है, ना कि सेवा की। लेकिन जब अमन ने पिता की बात नहीं मानी तो पिता ने उन्हें घर में जंजीरों से बांध दिया। लेकिन लोगों की मदद करने के हौसले के आगे पिता की जंजीरें भी कमजोर पड़ गईं और अमन उन जंजीरों को तोड़कर फिर लोगों की मदद करने निकल पड़े। अमन की ये कहानी एक संदेश है, अमन की ये कहानी एक प्रेरणा है, अमन की कहानी सेवा का वो किस्सा है जो भारत की असल तस्वीर दिखाता है। कर्म से जो अपनी किस्मत लिखते हैं, भीड़ में वो कुछ अलग दिखते हैं, उनकी लगन लोगों का यकीन है, यह आत्मनिर्भर भारत है, यहां मेहनत से चमकती जमीन है। आत्मनिर्भर कर्मवीरों की कहानी।